वो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ है जो दुख के आने पर भी दुखी नहीं होता। दुख तो भगवान राम के ऊपर भी आए थे, पर दुखी होना ना होना ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। हार जीत तो सभी नेताओं की होती है, दुखी होना ना होना जिसको हार भी दुखी न कर पाए तो समझ लो वो हार कर भी जीता हुआ है। एक दिन उसकी हार में ही जीत का द्वार खुलने वाला है। जिसको हार पीड़ा नहीं दे सकती है, जिसके लिए हार भी सफलता का द्वार है, मुस्कराता है और हार से भी हारता नहीं है और फिर से तैयारी करता है, वो व्यक्ति एक दिन हार को भी जीत में बदल देता है। इसलिए हार में भी दुखी मत हो। वियोग में भी दुखी मत होना, दुखेश अनुद विघ्न मना। वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वही व्यक्ति आत्मज्ञानी है जिसको दुख दुखी नहीं कर पाता है। जिसको कोई वियोग विचलित नहीं कर पाता है और जिसको कोई पीड़ा दर्द नहीं दे पाती है। भगवान राम अविद्या से जब विदा होते हैं, प्रेम तो है अविद्या से, परंतु पूज्य पिता श्री महाराजा दशरथ की आज्ञा का पालन, मां की मनोभावना को पूर्ण करने के लिए वनवास में जब उनका पहला पड़ाव निषाद राज के यहां होता, वहां रोते नहीं हैं, शिंसपा नाम के वृक्ष के नीचे पत्तियों को बिछाकर प्रभु विश्राम कर रहे हैं और प्रभु को बहुत गहरी नींद आ गई है। लक्ष्मण और निषाद राज दोनों पहरेदारी कर रहे हैं। याद रखना, आपके साथ में यदि कोई मूल्यवान व्यक्ति है और यदि वो रात में सो रहा है तो उसकी सुरक्षा में पहरेदारी की आवश्यकता। सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती की सुरक्षा के लिए थोड़ा सोचने की जरूरत है, लेकिन कबाड़ का लोहा और मिट्टी का ढेला उसकी पहरेदारी की उतना जरूरत नहीं। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कबाड़ होते हैं, कहीं पड़े रहे उनको कोई कुछ होने वाला, लेकिन पूर्व मंत्री श्री लोकेश सिंह जी के सुपुत्र रिंकू भाई भी पधारे थे। ऐसे व्यक्तियों के लिए पहरेदारी की आवश्यकता, एक कीमती व्यक्ति है। आपके पिता पूर्व मंत्री थे, उनका नाम लोकेश सिंह था, आपका नाम श्री वीरेश सिंह है और प्रेम से लोग रिंकू भैया के नाम से पुकारते हैं, उपनाम रिंकू, छोटा नाम है और प्रेम में लोग छोटा नाम ही बोलते हैं। राम का नाम कितना छोटा, दो ही शब्द है। ध्यान एकाग्र करो। दुखेश अनुद विघ्न मनः सुखेश विगत अस्रः। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो सुख के मिलने पर
जितना सुख मिला है उसी में जो खुश है, सेटिस्फाई है। देखिए बहुत बारीक बात है, सुख सबको मिला है लेकिन सुख से भी लोग संतुष्ट नहीं है। जो सुख मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है। जो पति मिला है, जो पत्नी मिली है, जो बेटा मिला, बेटी मिली, बहू मिली, घर मिला, मकान मिला, गाड़ी मिली, उसमें सेटिस्फाई नहीं, संतुष्ट नहीं। इससे भी अच्छा और चाहिए। जब ये बात अंदर पैदा हो जाती है तो जो सुख मिला है उस सुख का स्वाद तुम नहीं ले पाते हो, और जो सुख नहीं मिला है उसकी कामना और कल्पना में तुम्हारा मन उसकी दौड़ में लग जाता है। ये वर्तमान का सुख भी तुम्हारे लिए वंचित हो जाता है, और जो काल्पनिक सुख सोच रखा है वो मिले न मिले उसका कोई भरोसा नहीं है। तो दोनों दिन से गए पांडे, न हलवा रहे न माड़े। जो सुख मिला था इसको भी नहीं भोग पाए, और जिस सुख की कल्पना कर रहे थे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। इसलिए जो पत्नी मिली है उसमें खुश रही, जो पति मिला है खुश रही, और जो घर मिला है उसी में सुंदर रंग लगा करके, थोड़े फूल लगा करके, उसी को डिजाइन करके उसी में खुश रही। मैं करीब 34 साल आश्रम में 9 फीट चौड़ा और 13 फीट लंबा कमरा था उसमें रहा, और 6 साल 8 फीट चौड़ा और 9 फीट लंबा में रहा। लेकिन याद रखना, मैं तो मैं था, कमरा तो छोटा था बड़ा था। और आज वो जिंदगी है कि हर 3 दिन बाद कमरा बदलता है, घर बदलता है, जिला बदलता है, गांव बदल जाता है। कभी छत वाला मिलता है और कभी राजमहल जैसा मिलता है, कभी टीन शेड का मिलता है, कभी टाइल की फर्श है, कभी सीमेंट की है, और कभी खिड़की बड़ी है तो कभी खिड़की छोटी है। लेकिन व्यवस्था एक जैसी कभी नहीं रह सकती है, परंतु आप अपने मन को समझा करके एक जैसा खुश रख सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपके हाथ में। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वह भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। अपनी प्यास को बुझाओ, कभी कभी अपने आप से बात किया करो और स्वयं से कहा करो कि जो मिला है ये बहुत है, जो खो गया है वो मेरा नहीं था, और जो मिलने वाला है वो मेरा भाग्य है, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसका मेरे अंदर त्याग है। झंझट खत्म।